है। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। देखिए अवसादी चट्टान क्या होती हैं, अवसादी चट्टाने, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान क्या होती है, बात करते हैं हम अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को ही हम तल छटती चट्टान कहते हैं, तल छटती, देख लीजिए अवसादी चट्टान को ही हम तल छटती, ध्यान रखिएगा तल छट्टी भी लिखा रहता है, तल छट्टी चट्टाने भी कहते हैं। इसका भैया तल छटती चट्टान क्यों नाम पड़ा, देखिए तो समझते हैं कि हमें ईंधन वगैरह जहाँ से मिलते हैं, ईंधन वगैरह हमें जो प्राप्त होते हैं, जो पेट्रोल कोयला वगैरह वगैरह जो भी हमें प्राप्त होते हैं, वो सब हमें तलछटती चट्टान से, ये सब नाजुक चट्टाने होते हैं। क्या है, नाजुक चट्टान होती है। हमारा जो कुम्हार जो घड़ा बनाता है वो भी हमारी क्या होती है, तलछटती चट्टान या अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, या जो हमारी जो चाक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में वो भी हमारी सेडिमेंट्री रॉक की होती है। पूछा जाएगा चौक हमारी क्या है, यदि अगर चट्टानों में पूछा जा रहा है तो क्या है वो, तलछटती या सेडिमेंट्री रॉक। यूपीएससी के पेपर में पूछा जाएगा तलछटती चट्टान, ये पूछा भी जाता है, जो कि आप 9th 10th में पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान ही मिलेगा, ज़्यादातर तलछटती नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब हाई लेवल में जाएंगे तो आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा, तलछटती चट्टान पढ़ लीजिए। देखिए क्या है, तो इसमें क्या होता है, कुम्हार का जो घड़ा होता है एक बालुआ पत्थर होता है, बलुई पत्थर, बालू बालू का पत्थर होता है, बालुए टाइप का पत्थर होता है, वो भी तल छटती ही चट्टान का होता है या अवसादी चट्टान होती हैं। तो क्या होती हैं, ये बनी कैसे। अब भैया अग्नेय चट्टान जो है, अग्नेय चट्टान बनी है, ये हमारी क्या है, अग्नेय चट्टान, ये हमारी अग्नेय चट्टाने हैं। ध्यान से देखिए, अग्नेय चट्टान हमारी बाहर आकर के ठंडी हो गई, ये हमारी क्या हुई, आपको मैं फिगर से बना रहा हूं आपको, देखिए ये हमारी क्या है, अग्नेय चट्टाने, ध्यान रखिएगा क्या है, अग्नेय चट्टान, ये है हमारी अग्नेय चट्टान। भैया ये सब हमारी अग्नेय चट्टान है, ये तीनों तीन ही है, तमान हम लिए यहाँ बना नहीं सकते हैं, समझ लीजिएगा आप। देखिए तो अग्नेय अवसादी चट्टान कैसे बनती हैं, तल छटती चट्टान से आपको समझ में आ गया होगा, तल छटती, तल को छांटते हुए, तल को छांटते हुए उसी को कहते हैं तल छटती चट्टान। अब भैया तल तल को कैसे छांटेंगे, तो आप देखेंगे आंधी में, पानी में, पानी आप देखेंगे, पानी में देखेंगे कि उसमें अपरदन होता है, क्या होता है, अपरदित होती है, क्या होती हैं चट्टाने, अपरदित होती रहती हैं पानी में। आप कहीं कोई चट्टान पानी में गिर गई, कोई चट्टान पानी में आ गई, तो वो देखेंगे कि अपरदित होती रहती हैं, कटती रहती हैं पानी के साथ, वो बहती रहती हैं। जब वो पानी के साथ वो कटती कटती कहीं पर जा करके निक्षेपित हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, निक्षेपित हो जाती हैं, उसी को हम कहते हैं तल छटती चट्टाने। देखिए ये हैं, ये हमारी चट्टाने पानी में हैं या हवा से, किसी भी प्रकार से, पानी हवा किसी से भी, ये क्या हो, ये पानी है, ये वाली पानी में है, ये मान लीजिए हवा में है, तो हवा में ये क्या होती हैं, धीरे धीरे टूटती रहती हैं, क्या होती हैं, धीरे धीरे 100 150 200 300 400 500 साल, बता दिया हूँ कि ज्योग्राफी में 100 150 200 साल का कोई महत्व तो नहीं है, 1000 साल का भी कोई महत्व तो नहीं है, यहाँ पर 1000 साल कुछ भी नहीं है ज्योग्राफी में, ठीक। ज्योग्राफी में आप भूगोल में पढ़ेंगे 1000 साल का मतलब कुछ भी नहीं, ना के बराबर है, ठीक भैया। तो ये 100 200 300 400 1000 साल बाद क्या होता है कि ये जो चट्टानें होती हैं पानी की वजह से बाढ़ में कहीं पर यहाँ पर जमना शुरू हो जाती हैं, क्या होती हैं, जमना शुरू हो जाती हैं, यहाँ से बहती हुई गई, ये बही यहाँ गई, ये टूट करके यहाँ आई, क्या हुई, यहाँ टूट करके यहाँ आई पानी में, मान लीजिए पानी का आप एग्जांपल लीजिए, पानी में आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो ये क्या होता है कि ये जो चट्टानें हैं यहाँ पर बहती हुई
आकर के एक जगह पर दूसरे जगह पर ये आ जा करके निक्षेपित हो जाती हैं। निक्षेपण का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। क्या हो जाना? निक्षेपण का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। और जो अपरदित का मतलब होता है कांट छांट। मैंने आपको बताया है, टोपोग्राफी में मैंने पढ़ाया है, रिवर में भी मैंने बता चुका हूँ कि कांट छांट निक्षेपण ये सब के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर भी, तो क्या होता है कि ये चट्टाने होती हैं ये निक्षेपित हो जाती हैं। यहाँ से अपरदित हुई, यहाँ आकर निक्षेपित हो गई। क्या हुई? निक्षेपित हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रकार की ये लेयर जम जाती हैं, लेयर बन जाती हैं, दो तीन चार पाँच परतें बन जाती हैं। किसकी बन जाती हैं? इस अग्नेय चट्टान की परतें बन जाती हैं। टूटी तो ये जा करके कहीं निक्षेपित हुई, तो क्या होता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर बन जाती हैं, परतें बन जाती हैं, जिससे इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तल छटती चट्टान। क्या होती हैं? तल छटती चट्टान इसी को कहते हैं, या अवसादी चट्टान, अवसादी तल छटती ही लिखिए। सेकेंडरी रॉक भी कहा जाता है इसे, सेकेंडरी प्रथम रॉक आप इसको कह दीजिए, सेकेंडरी रॉक इसे भी इसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी रॉक के नाम से अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टाने। क्या हो जाएंगी? अवसादी चट्टाने। तल छटती चट्टान। भैया तल छटती चट्टान समझ में आ गया? क्या हो गए? अपरदित होकर के कहीं जाकर के निक्षेपित हुई, उसी को कह दिए तल छटती चट्टाने। वो एक प्रकार की परतें बन जाएंगी, उसी को कहते हैं तल छटती चट्टान। यहाँ तक समझ में आ गया?